जैसे शादी में न्योता दिया जाता है, जिसके घर तुम खुद ना जाओ वो नहीं आता है। भैया ऐसे ही, ओ बहना ऐसे ही, सबको बुलाना पड़ेगा और सबके घर खुद चल के जाना पड़ेगा। हर एक को अलग समझाना पड़ेगा जैसे शादी में। बुरे भाई, बुरे भाई, सब आ रहे हैं, तुम भी आना। कहाँ? पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है। पक्का? तो मिलाओ हाथ। नहीं बाबू। अरे लाओ लाओ हाथ तो मिलाओ, हम पढ़े लिखे लोग छुआछूत को नहीं मानते। तो आओगे ना? हाँ अब तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, औरों से भी मिलना मैं। चलो मुझे तो चूल्हे चौके से ही फुर्सत ना है। अरे मैं क्या करूंगी पढ़ लिख के। फुर्सत तो है चाची, फुर्सत क्यों नहीं है? दोपहर में तुमने सबको खाना खिलाया, उसके बाद कौन सा काम रह गया तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, चाचा अनाज शहर ले जाते हैं कि नहीं? अब तुम यही हिसाब रखने लगो कि कितने बोरी अनाज शहर गया, कितने के बीज आए, कितने की खाद आई, तो चाचा का आधा काम हल्का हो जाएगा और उन्हें खुशी कितनी होगी। अच्छा तो मैं सीख जाऊंगी क्या? क्यों नहीं, चल हट अब इस उम्र में। अरे तुमसे भी बड़ी उम्र की आएंगी आज, तुम देख लेना, पर तुम आना जरूर। अच्छा आओगे। जिस तरह से तुमने हाँ की है उससे लगता तो नहीं कि तुम आओगे घनसू। टाइम मिला तो आ जाएंगे। अरे इसमें टाइम की क्या बात है, रात को 8 बजे तुम्हें कौन सा काम करना है? सीधी बात सुननी है तो सुन लो, मैं ना आने का तुम्हारे कंधे पे क्यों आऊं? क्यों आऊं भला? हमारी गरीबी का मजाक बनाना है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र? अरे ये सब सरकारी चौथले हैं, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? पहले मजदूरी तो ठीक कराओ। देखो भाई, हम मजदूरी तो ठीक नहीं करवा सकते, मगर हमारे सेंटर में आने से इतना फायदा तो होगा कि मजदूरी जब भी मिलेगी पूरी मिलेगी। कैसे? अरे अभी तो तुम अंगूठा लगाते हो 10 पर मिलते कितने? क्या पता कितने पे लगवावे। अब यही बात समझ लो केंद्र पर आकर, किसी ने रोका है क्या? अरे तुम ही लोगों के लिए तो खुला है ये केंद्र। हमारे लिए खुला है केंद्र, गरीबों के लिए खुला है? तो पटवारी के पास क्यों गए, सरपंच के पास क्यों गए, मुखिया से जाके क्यों मिले, सीधे गरीबों के पास आते? तुम्हारी बात तो ठीक है घनसा, पर सबको साथ में लेकर चले तो अच्छा रहता है। और ये लोग रोज रोज थोड़े आएंगे, कल उद्घाटन है इसलिए आएंगे। फिर जो पहले से पढ़े लिखे उनका सेंटर पे क्या काम? सेंटर तो उनका है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, सेंटर तो तुम्हारा है। अच्छा बोलो आओगे? उद्घाटन कर लो फिर आएंगे। देखो ये बात गलत है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अरे हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? और तुम समझ रहे हो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, बहुत फायदा होगा मुझे, फायदा होगा पूरे गाँव को, गाँव के गरीबों को, ये सबके फायदे की बात है। अच्छा बोलो आओगे? आऊंगा। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है तो फिर कल सेंटर पे मिलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे चंद्रप्रकाश, बहुत अच्छे। पहले तो शायद ये नहीं आता, लेकिन तुम्हारे समझाने के बाद ये जरूर आएगा। ये समझते हैं कि इस कार्यक्रम से मेरी हवेली खड़ी हो जाएगी। तुम भी गर्मा के? अरे बेटा तरह तरह के लोग मिलेंगे, सबको समझाना होगा, और अभी तुमने कितनी अच्छी तरह समझाया। हौसला रखो, लोग आएंगे। मेरा तो बड़ा मन है आने का, पर कैसे आ पाऊंगी? क्यों? अरे इन कंबख्तों से पीछा छूटे तब ना। तो इनको भी लेती आना। तो क्या इन्हें भी पढ़ाओगी वहाँ पर? ये खेलती रहेंगी, तुम वहाँ पढ़ती रहना। जे वहाँ खेलेंगे? अरे जे तो बड़ा अच्छा स्कूल है। पढ़ लिख जाओगी ना तो इनके अब्बा की भी 10 काम आओगी। सो तो है। अच्छा जमीला को लाना मत भूलना, कहना ढोलक लेती है। तो क्या वहाँ ढोलक भी बजेगी सेंटर पे? हाँ। अच्छा लेती आऊंगी। अच्छा बढ़िया, घर घर में फेरी लग रही है क्या? पंचायत का चुनाव लड़ेगा? तुम्हें क्या परेशानी है भैया, हम तो पढ़ाई लिखाई का केंद्र चलाएंगे, कल उद्घाटन में तुम भी आना। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पोल टैक्स की जरूरत नहीं है, और पढ़ लिख भी गए तो घर का काम काज कौन करेगा? अरे तुम्हारा छोटा भाई राजेंद्र क्या करता है दिन भर? बचपन में ही स्कूल से भी उठा लिया। सुनाई कम देता है। अरे तो क्या हुआ, सेंटर भेज के तो देखो क्या पड़ जाएगा। अरे क्यों नहीं। इसका मतलब है रमिया तुम आना नहीं चाहती। आना तो चाहूं पर मेरी हसाई है जाएगी। क्यों? मुझे दूर को दिखे ना है। इस बात का मैं ध्यान रखूंगी, पर तुम आना जरूर। अच्छा
सीधे आए राजधानी से और कह देंगे आसानी से लोग पढ़ना नहीं चाहते ये बकवास है। सदियों से जो वंचित शोषित वे अब जान गए अपना हित उनके मन में भी पढ़ने लिखने की प्यास है। शिक्षा का महत्व बतलाया घर जा जा करके समझाया सरला चंद्र का बिल्कुल सही प्रयास है। सदा सताया तुझको बहना पढ़ना सीख जाए क्या कहना कुछ कर दिखला देगी हमको ये विश्वास है। उद्घाटन का दिन है पहला सबको अवसर मिले सुनेला पहले दिन ही कैसा अद्भुत ये उल्लास है। लोग पढ़ना नहीं चाहते ये बकवास है। एक बात समझ सकतो बाबा की आई इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई। ये बात हमें चंदर ने आज बतलाई इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई। मास्टर जी के स्कूल के बच्चों ने गाना सुनाया मास्टर जी को धन्यवाद और पटवारी जी और मुखिया जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने ज्ञान की बातें हमें बताई। अब सरपंच जी हमें अपना आशीर्वाद देंगे। सरपंच भाइयों बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। ये हमारे नौजवान उत्साही कार्यकर्ता पढ़ने लिखने का प्रोग्राम लेकर यहाँ आए हैं और इस सबको हमने कामयाब बनाना है। ये सबके फायदे की चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पढ़ना लिखना जो है उससे फायदा ही फायदा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस काम में पूरा समर्थन देंगे। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। वो जो शौक शौक में आए दोबारा ना आएंगे वो जो मन से पढ़ना चाहे हम उनको पढ़ाएंगे उनको लाना ही होगा जी शिक्षा के उजाले में आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। पढ़ना लिखना उनका हक है हम उनको दिलवाएंगे दुनिया भर की सारी बातें हम उनको बतलाएंगे। ज्ञान बंद नहीं रहता है किसी के ताले में आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कल सेंटर पे बच्चों वाला गाना तो खूब जमा सभी ने खूब पसंद किया उसका। और मेरे केंद्र में औरतों ने खूब ढोलक बजाया। चंद्र प्रकाश केंद्र शुरू हो गया भाई उद्घाटन हो गया सब तनातन हो गया लेकिन पहला दिन माना जाएगा तब जब पढ़ाई शुरू होगी एक दूसरे की आपस में बात होगी। बेटा कुछ सोचा है शुरू में क्या बताओगे? हाँ शुरुआत कैसे करोगे?
गांव की समस्याओं पर बात करेंगे। ये भी एक तरीका है। हाँ, इन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है। बात शुरू करने के कुछ और भी तरीके हैं, मैं बताता हूँ। जैसे ये कहा जाए कि भाई जब कोई आदमी कोई नई चीज सीख लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। ऐसी खुशी के मौके हर एक की जिंदगी में आते हैं। तो कहा जाए भाई सब लोग अपनी अपनी खुशी के तजुर्बे बताएं। देखो, अनपढ़ इंसान को पढ़ी लिखी दुनिया ठगती है, ये तो सच कहा ना। तो हर अनपढ़ इंसान के जीवन में एक अदलमा ऐसा आता है जब उसे अनपढ़ होने के कारण ठगा गया हो, और फिर कोई भी अपने दुख और बेइज्जती के लम्हे कैसे भूल सकता है भला। कोई भूलता नहीं है अपने सुख दुख की बातें। कोई भूलता नहीं है अपनी जीते अपनी माते। समझे, इस तरह हो सकती है शुरुआत। लेकिन क्या कोई सबके सामने अपने सुख या दुख की बात बता सकता है? हाँ, ये कही ना 1,25,000 रुपए की बात। तो इसे 1,25,000 रुपया ही दे दो। हाँ, पर मैं तो जेबी घर भूला है। आप लोग तो बहुत हंसाते। अरे मेरी बिटिया रानी, वही सबसे अच्छा है सीखना सिखाना, जिसमें चलता रहे बस हंसना हंसना हंसना। ये तो बुद्धू है, इसकी बातों पर मत जाना। सुख दुख की बात सीरियसली उठाना। सीरियसली? अंग्रेजी बोलिए असली। अच्छा, सीरियसली एक असली बात मैं भी बताता हूँ। वो चंद्र प्रकाश की बात तो बीच में ही रह गई कि कोई अपने सुख दुख की बातें सबके सामने कैसे बताएगा। बिल्कुल ठीक है, कैसे बताएगा, पर वो बता सकता है। दरअसल उसे ये नहीं पता कि कैसे बताए। अगर उसे ये पता चल जाए कि कैसे बताए तो फौरन बता दे। याद करो, चंद्र के सेंटर पर जब बच्चों ने गाना खत्म किया था, उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई। एक पल को सन्नाटा छाया, फिर चंद्र ने ताली बजाई, अकेली ताली। फिर कुछ लोगों ने चंद्र को देखकर बजाई, देखा देखी कुछ सबने बजाई और पूरे जोश के साथ बजाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चंद्र ताली ना बजाता तो शायद कोई भी ताली ना बजाता। तुमने देखा कि सिर्फ एक ताली की प्रेरणा से सब लोगों ने कितने उत्साह के साथ तालियां बजाई। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरह उनमें से एक आदमी भी अपने सुख दुख की बातें बता दे और एक उदाहरण कायम कर दे तो बस फिर क्या है, फिर तो सब लोग बताएंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा सल्ला, तू ऐसे करना, अपनी किसी सहेली को पहले से सिखा के रखना कि जब तुम उससे अनपढ़ होने के कारण ठगे जाने के बारे में पूछो तो वो झट से अपने बारे में कुछ बताने लगे, तो उसकी देखा देखी सब अपने किस्से सुनाने लगेंगे। ठीक इसी तरह चंद्र प्रकाश, तुम भी अपने किसी दोस्त को भाई जैसे बनवारी है पहले से ही तैयार कर लो कि जब तुम पूछो कि कोई नई चीज सीखने के बाद क्या खुशी मिलती है तो सबसे पहले वो बोले, उसके बोलते ही सब में चाबी लग जाएगी। क्यों, ठीक है ना? प्राइमर तो मिल गई सबको, ये वाली किताब। हाँ, ये तो मिल गई। मिल गई तो मिल गई। तो किताब तो शुरू करेंगे बाद में, पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसा है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, और ऐसा खुशी का मौका हर आदमी की जिंदगी में एक बार जरूर आता है। अब आपको बारी बारी से ये बताना है कि कौन सी नई चीज सीखने पर आपको कैसी खुशी मिली। बताइए, याद करके सोच के बताइए, कोई भी बताए। मैं बताऊं? हम बताओ। बता, 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 बता। देखो जी, मैं किसान का बेटा, मेरा बहुत मन करे कि मैं हल चलाऊं, पर बापू हाथे ना धरन दे, कहे कि बेटा अभी तू बड़ा हो जा, अभी तो तू छोटा है, पहले तू बीज बीज डालना सीख ले फिर चलाइयो हल। फिर जी बापू ने एक दिन मेरे हाथ में हल पकड़ा दिया और उसे साधना सिखाया। तो भैया जी, उस दिन जो खुशी मिली है ना, उसका तो वर्णन करना ही मुश्किल है। बहुत सही कही। अब कोई और बताए अपनी बात। हम तो कुम्हार हैं जी, और हमारे संग भी वैसी भाई जैसी भाई बनवारी के संग। चाक ना घुमान दे बाप हमारा, बस कच्चे कुल्हड़ लाइन में रखवाए करे, पर हमें भी जब भी मौका मिले डंडा उठावे और चाक घुमावे। अच्छा। अब कभी चाक उतर जावे और कभी पाँव में लग जावे।
फिर एक दिन हाथ सद गया तो वह दिन तो मैं घुमाते ही गया घुमाता ही गया। चूहे को भिट्टा खोदना सिखाया है किसी ने। और असली खुशी मिली वह दिन जिस दिन सूत से बर्तन काटना सीखा। अब सूत टेढ़ा हो जाए तो बर्तन टेढ़ा। अब एक दिन बाप लेने गया मट्टी और पीछे मैंने 100 कुल्हड़ बना दिए। 100? हाँ, पूरे 100। बाप के देखते ही आंखों में खून उतर आया। हर कच्चे कुल्हड़ की उठा के पेंदी देखी और फिर पीठ ठोक के बोला, शाबाश बेटा। किसी और को भी सुनान देगा कि नहीं? पहले 10-15 कुल्हड़ तो खराब हुए, वो मैंने छुपा दिए। बाप ने देख लिए पर बोला कुछ नहीं। अरे घनसा को कह लेन दे। हाँ भाई घनसा, तेरे साथ क्या हुआ? देखो भाई, सभी को बतानी अपनी अपनी बातें। हाँ बोलो घनसा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक दूसरे के तजुर्बों से बहुत सीख मिलती है। अब देखो ये किताब, ये लिखा हुआ है नाम और आगे लगा हुआ है अंगूठा। सबको दिख रहा है? हाँ। रमिया तू आगे आ जा। नहीं ठीक है। अरे आगे आ जा, चल। तो लिखना था नाम पर लगाया अंगूठा। अब नाम तो लिखना नहीं आवे तो अंगूठा ही लगाएंगे। क्यों? लगाएंगे ना। अब अंगूठा लगाने के पीछे क्या कहानी है नीचे देखो। महाजन ने लगवाया अंगूठा 200 रुपये पर और बिंदी लगा ली अपने आप। जा, अब जिंदगी भर चुकाते रहो। अरे बहना, मुन्ना के अब्बा के साथ भी तो यही हुआ। लाला का भी ब्याज बिना चुका था। मूल की बात तो बहुत दूर है। अरे ये तो घर घर की कहानी है शर्फी। अरे हट नाश पीटी, बात बिना करने दे। बच्चे कोई समझदार नहीं हो बे। सुन, कल से अपनी ननद को लेती आई हो, वो आके बच्चों को संभाल ले। हाँ लेती आऊंगी। कुछ खिलौने भी लाने पड़ेंगे केंद्र पे। ए लो जी खिलौने। कहाँ से आएंगे खिलौने? हर प्यारी चाची ऐसे बढ़िया गुड़िया बनावे कि देखते ही रह जाओ। अच्छा चाची, कल को ले आऊंगी। अंगूठे का मतलब है शोषण। अंगूठे का मतलब है आदमी की बेइज्जती। ये अंगूठे का छापा नहीं है, ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें गरीब आदमी फंस जाता है और अमीरों की मकड़ी खा जाती है उसको। हम इस मकड़ी के जाले जैसे अंगूठे के निशान को साफ कर देंगे और शान से अपना नाम लिखेंगे। लो भाई इसे बिठा लो मास्टर अपने पास। हाँ भाई राजेंद्र, आजा। आजा आजा। अरे यहाँ नहीं राजेंद्र, यहाँ मेरे पास आ। यहाँ आजा, यहाँ बैठ, यहाँ मेरे पास। ऐसे तुम भी बैठो भाई। नहीं मैं तो जाऊंगा। अच्छा तो एक खेल करते हैं। जिस जिसको अपना नाम लिखना आता हो वो एक तरफ हो जाए। मैं तो इतना बैठा ही हूँ। अरे आजा अकबर, तू यहाँ आजा। यहाँ आजा। आप लोग खेल देखना। हाँ ठीक है। बीच में बोलना मत। ठीक है। अब मैं हर एक के सामने उनका नाम इन पर्चियों पर लिखूंगा और अपना अपना नाम सब लोग पहचान लेना। ठीक है। तुम्हारा नाम? दयाराम। दयाराम, दयाराम देखो ये लिख रहा हूँ मैं तुम्हारा नाम। अच्छा, इससे ढंग से पहचान लेना। हाँ। और याद रखना दया ए राम। पकड़ ले पकड़ ले, देख ले पहचान ले। हाँ। पहचान ले, पहचान ले। देखो भाई बीच में मत बोलो। हाँ तुम्हारा नाम? घनसा। घनसा नहीं, घनश्याम। वेरी गुड भाई, ये तो आज ही पता चल गया। फिर बीच में बोले, थोड़ा पढ़ लिख गए ना तो कैसा मजाक बना रहे। ठीक है, हम अपना नाम किसी को क्यों बिगाड़ने दे वाला। मैं भी पढ़ना लिखना सीख लूं फिर देखूंगा जरा। बहना जी देखियो, जी मेरे नाम पे घुंडी सी कैसी है। अरे वो तो बाद में बता दूंगी, लेकिन पहले अपना नाम पहचान ले। और जमीला, ये तेरा नाम लिखा है जमीला। अच्छा ऐसे लिखा रहता जमीला। Thank you.
राजेंद्र, राजेंद्र निकालेगा। राजेंद्र इसमें पर्ची पड़ी है, उनको निकालो है, अपने नाम वाली पर्ची ढूंढना इनमें, ठीक है? निकाल तूने यार, निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले, अभी निकाल लेगा, निकाल ले, निकाल ले, अंदर निकाल ले, यार निकाल ले, अंदर शाबाश, निकाल देगा। अरे पर्ची तो निकाल ली पर उल्टी है ऐसे। राजेंद्र लिखा है, बहुत बढ़िया भाई, निकाल दी भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, कितना अच्छा काम करने लगे ये बच्चे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सरला चंद्र से अनुदेशक अपने हीरा मोती हैं, इन दोनों ने मिलजुल कैसे बंजर धरती जोती हैं। समझ गए हैं कुछ बातें जो दिल दिमाग से खोती हैं, हर इंसान में गुण होते तो कुछ कमियां भी होती हैं। पक्के हुए हैं ये दोनों, ये नहीं कच्चे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दिखलाई देता उसको पास बिठाया था, जिसको सुनने में दिक्कत थी उसको पास बुलाया था, जिसको जैसे समझ आ सके वैसे ही समझाया था, जिसको जितना मान चाहिए उतना मान दिलाया था। अपने काम की लगन में है ये सच्चे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सहयोगी है कौन, कौन करता अपनी मनमानी है, साथ कौन चल पाए, किसने बस विरोध की ठानी है, किससे अभिनय करवाना, किससे गुड़िया बनवानी है। इन दोनों ने अलग अलग सबकी ताकत पहचानी है, ये अंधेरे के उड़ा देंगे पर खच्चे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, कितना अच्छा काम करने लगे ये बच्चे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लेकिन भाग्यवान, हमारे इन दोनों बच्चों की, प्यारे प्यारे अनुदेशकों की ताकत क्या है आखिर? वही ढाई आखर कहे के प्रेम के। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।